पैसा भाई, हिसाब तो रखना पड़ता है। वैसे आप पैसे का हिसाब रखते हैं कि नहीं रखते? कहते हैं जो व्यक्ति वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कोई कदर नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जो व्यक्ति पैसे की कदर नहीं करता, पैसा भी उसकी कोई कदर नहीं करता। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं ताकि आपका आपके पैसे पर पूरा नियंत्रण हो। आइए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम सब सब्जी वालों से वाकिफ हैं। हर रोज न जाने हम कितने सब्जी वालों से मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सब्जी वाला अपने पैसे पर नियंत्रण किस प्रकार रखता है? तो इसके भी कुछ चीजें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, सुबह जब सब्जी वाला काम पर निकलता है तो वो किसी होलसेलर के पास से बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। अब इन सब्जियों को खरीदने के लिए उसको लगते हैं पैसे, तो इसकी तैयारी उसको पहले ही दिन करनी पड़ती है। अब जब ये सब्जियां खरीद लेगा तब दिन भर उन सब्जियों को वो अलग अलग लोगों को बेचेगा। कुछ गृहिणियां होंगी जो उससे सब्जियां खरीदेंगे, बड़े बड़े होटल होंगे, कुछ छोटे मोटे व्यापारी होंगे जो उससे सब्जियां खरीदेंगे। हर किसी की जरूरत अलग है, तो हर किसी के लिए कीमत भी अलग अलग होगी। अब दिन के आखिर में उसको ये देखना पड़ता है कि उसकी आमदनी कितनी हुई, ताकि बचे हुए पैसों से वो दोबारा दूसरी सुबह नई और ताज़ी सब्जियां खरीद सके। तो जरा सोचिए कि अगर एक सब्जी वाले को इतना सब कुछ सोचना पड़ता है, तो आपको अगर अपने पैसे को नियंत्रित करना है तो आपको भी अपने पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा। उसी तरह स्वयं रोजगार की अगर हम बात करें, तो आजकल आपने देखा होगा कि काफी प्राइवेट गाड़ियां सड़क पर दिखाई देती हैं, जिनमें ओला और उबर के कई सारे वाहन चालक शामिल हैं। अगर आप खुद अपनी गाड़ी चलाएं तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, किस तरह आपकी आमदनी होगी, तो उसके लिए भी कुछ चीजें सोचना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर, दिन भर में आप कितने ग्राहकों को मिलेंगे, दिन भर में आप कितने पैसे कमा लेंगे, दिन भर में कितने पैसे कमाने के बाद क्या उसका आप पुनः उपयोग दूसरे दिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए आपको सोचने की जरूरत है कि आपके व्यवसाय में या आपके रोजगार में आपकी आमदनी कहां से आएगी, कितने पैसे आप दिन भर में या हफ्ते भर में या महीने भर में कमा पाएंगे। उसी के साथ साथ आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि आपके अहम खर्चे कौन से हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना खर्चे के हो नहीं सकता। आपको बहुत सारे पैसे खर्चने भी पड़ेंगे, और आमदनी में से खर्चे निकलने के बाद क्या आपके पास कोई मुनाफा बचता है या नहीं बचता, क्योंकि अगर घाटे का सौदा हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो वही बात हुई कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बाराना। तो आपको अपने खर्चों पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि हर व्यवसाय में ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ही दिन से आपको मुनाफा हो। तो आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या आप इतनी देर तक रुक सकते हैं, क्या आपके पास इसका कोई विकल्प मौजूद है। और कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ दिन आपकी आमदनी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल शून्य, तो ऐसे दिन का गुजारा कैसे होगा। और जब आप महीनों सालों काम करें तो उसमें से कुछ पैसा आपको बचा कर भी रखना पड़ेगा, ताकि उन दिनों में जब आपकी आमदनी ना हो आप इस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको सामने वाले को उधार देना पड़ेगा। तो आप जरा अपने आप से पूछिए कि क्या आप किसी ऐसी चीज को बेचने जा रहे हैं जहां पर उधार देने की जरूरत है, और अगर आप उधार देना नहीं चाहते तो किस तरह का व्यवसाय होगा जहां पर उधार देने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपका पूरी तरह से आपके पैसों पर नियंत्रण रहेगा। तो आइए बढ़िए अपने ड्रीम बुक की ओर और इन सवालों को दर्ज कीजिए। पहला सवाल होगा, आपकी आमदनी कहां से आएगी और कितनी आएगी, पहली आमदनी कमाने में कितना वक्त लग सकता है। दूसरा सवाल होगा, आपके खर्चे कौन से हैं और कितने हैं, और इन खर्चों को झेलने के लिए आपको कितनी आमदनी कमानी पड़ेगी। तीसरा सवाल है, अगर कभी जरूरत पड़े तो आपके पास अतिरिक्त पैसे कहां से आएंगे, और दिन भर के खर्चे निकालने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे उपलब्ध हैं या नहीं है, और क्या आपको किसी को उधार देने की जरूरत है या नहीं है। ये सारे अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि बिना इन सवालों का जवाब दिए आप अपने पैसे का नियंत्रण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आइए कदम बढ़ाते हैं और कामयाब होते हैं, जीतते रहिए है।